let's begin with breaking updates coming in amid the Sangram over Samvidhan. There's a massive move being taken by the Modi Sarkar after the emergency strike on the opposition. The center has decided to celebrate Constitution marking 75 years of the Constitution. So after announcing that June 25th will be observed as Samvidhan Hatya Divas, now the center has planned to organize several programs to celebrate Samvidhan, celebrate Constitution, marking 75 years of the Constitution. There will also be a campaign to create awareness about the same. This is a Mega Times Now exclusive that we are getting for you. Amit is joining us in the broadcast with more details. Amit, pehle is baat ki ghoshna ki 25 June ko Samvidhan Hatya Divas ke roop mein dekha jayega. और अब बड़ी खबर आ रही है कि संविधान को सेलिब्रेट करने के लिए जगह जगह आयोजन होंगे, एक अवेयरनेस कैंपेन भी क्रिएट किया जाएगा. जी देखिए, और ये बड़ा कार्यक्रम होगा. और सबसे बड़ी बात कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही पूरे कैंपेन जो था इस 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान, इस तरह से कैंपेन को नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई थी बीजेपी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ कि संविधान बदल दिया जाएगा. लेकिन खुद नरेंद्र मोदी ने सिर्फ अभी नहीं, जब मुख्यमंत्री थे जब गुजरात में 2010 की बात है, गौरव यात्रा निकाली थी, संविधान गौरव यात्रा निकाली थी, और वो संविधान को लेकर हमेशा इस बात को कहते थे कि संविधान जो है, ये जो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक धर्म ग्रंथ है, क्योंकि उसी के आधार पर पूरा देश चलता है. तो संविधान को लेकर वो उनकी जो बातें हैं, वो उन्होंने जो जगत बार बार की, इस पूरे जो कार्यक्रम चलेंगे उस दौरान पूरे देश को ये बताया जाएगा कि कैसे ये संविधान ने देश को सबसे बड़े, दुनिया को सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में सामने रखा है. और यही ताकत है जिसने दुनिया के भीतर लोकतंत्र को आज भी स्थापित रखा है. कई देशों में जब लोकतंत्र खतरे में है तो भारत क्यों है, क्योंकि इसके पीछे ये संविधान है. और इसको संविधान में कैसे गढ़ा गया है, छोटे शहर से लेकर पूरे देश में बड़े कार्यक्रम किए जाएंगे. 75 साल पूरे होने जा रहे हैं. आपको याद होगा अमृत काल, जब आजादी का अमृत काल जब मनाया गया था तो उस तरह से पूरे देश में किस तरह से कार्यक्रम थे, उसी तरह से इस कार्यक्रम को भी बड़े लेवल पर मनाया जाएगा. और एक संदेश भी साफ है कि संविधान को लेकर विपक्ष जो भी कहे, भारत में खास करके बीजेपी की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी है, ये संविधान को सबसे ऊपर मानती है. और नरेंद्र मोदी खुद हमेशा से, चाहे आपने देखा जब उनको एनडीए का नेता चुना जाना था, उस दिन भी जब वो आए थे तो वो उन्होंने सबसे पहले संविधान को पर माथा टेका था. जब वो पहली बार संसद पहुंचे थे तो संसद की सीढ़ियों पर अपने माथे को रखकर उन्होंने प्रणाम किया था. और ये दिखाता है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ नैरेटिव भले सेट किया जाए, लेकिन वो भारत की लोकतंत्र, भारत की डेमोक्रेसी, भारत के संविधान को कितना उनके लिए आदर है, कितना सम्मान है, उनको कितना फॉलो करते हैं. तो एक बड़े कार्यक्रम की तैयारी है और पूरे देश भर में ये कार्यक्रम चलेगा. 26 जनवरी तक चलेगा ये कार्यक्रम, 15 अगस्त से शुरू होकर, जिसकी घोषणा बहुत जल्दी सरकार की तरफ से की जा सकती है. Okay, all right. So several celebrations, several events that will be marked to celebrate the constitution. But Amit, this comes at a time when the opposition has also raised the issue. The opposition leaders had walked into the parliament with a copy of the constitution. The BJP in its internal meeting also believes that the opposition's attack on the constitution being under threat is also what led to losses in some of the seats for the BJP. Amit, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, ऑपोजिशन की पूरी एक स्ट्रैटेजी, पूरा कैंपेन लोकसभा के वक्त हमने देखा था संविधान को बचाने का. और जब नतीजे आए तब हालांकि नंबर्स बीजेपी से कम थे, लेकिन दावा यही था कि जो कैंपेन उन्होंने चलाया था संविधान को बचाने का, वो लोगों के साथ क्लिक कर गया है, लोग उससे रिलेट कर पा रहे हैं. नहीं, मुझे लगता है कि संविधान वाला नहीं, उनको लोगों को नैरेट, शायद वो जो आप देखिए, जो उन्होंने ये कहा था कि आरक्षण खत्म करेंगे, संविधान बदलने को लेकर बहुत लोग, ये कैंपेन पहले से चल रहा था. 2019 के चुनाव के दौरान भी ये बात कही गई थी विपक्ष की तरफ से कि मोदी सरकार अगर दोबारा आती है, दूसरी बार सरकार में आएगी तो संविधान बदल देंगे. तो उसका बहुत फर्क भी पड़ा था और बीजेपी को 300 सीटें आई थी, तो वो बहुत ज्यादा नैरेटिव सेट नहीं कर पाए. लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जो आरक्षण बदलने की बात थी कि आरक्षण खत्म कर देगा, वो नैरेटिव कहीं ना कहीं गांव में घर घर तक पहुंचा था और उसका नुकसान हुआ. लेकिन संविधान को लेकर खुद नरेंद्र मोदी हमेशा से जिस तरह से बात करते रहे, जिस तरह से संविधान को मानते रहे, और ये देखिए, ये इस तरह की बातें हो सकती है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने इस बात को हमेशा से ये बात कहा कि उनके लिए संविधान सबसे ऊपर है. और संविधान को लेकर जो बातें की जाती है, विपक्ष ने सेट करने की कोशिश की थी, लेकिन हमेशा से, मैंने पहले भी कहा कि जब उनको माथे पर लगाकर सर पर लगाया
संविधान को और मुख्यमंत्री प्रीवियसली एज वेल एज हैज बीन सेड बाय द बीजेपी. स्टे विद अस अमित, वी हैव द नेशनल स्पोक्सपर्सन ऑफ द बीजेपी शहजाद पूनावाला जॉइनिंग अस. शहजाद, इज दिस अ काउंटर स्ट्राइक टू व्हाट द ऑपोजिशन हैज बीन सेइंग, द ऑपोजिशन ब्रिंगिंग अ कॉपी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्लेमिंग दैट देयर इज एन अटैक ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन? देखिए, मुझे लगता है कि जिन लोगों का इतिहास संविधान को कुचलने का रहा है, जिन लोगों ने 50 वर्ष पहले संविधान के तमाम संस्थाओं को कुचलकर, पार्लियामेंट को कुचलकर, सुप्रीम कोर्ट को कुचलकर इमरजेंसी लगाई, और आज जब संविधान हत्या दिवस की भी घोषणा की गई तो उसका भी विरोध किया, संसद में जब हम लोगों ने निंदा प्रस्ताव लाने का काम किया तो उसका भी विरोध किया, और संजय राउत ने तो इमरजेंसी को जस्टिफाई किया ये कहते हुए कि अराजक तत्व थे तो इसलिए इमरजेंसी लगानी पड़ी. मुझे लगता है कम से कम ऐसे लोगों को हमें नसीहत देने की कोई आवश्यकता नहीं. संविधान दिवस को पहले भी मोदी सरकार ने मनाया है, परंतु सवाल ये पैदा होता है कि जो संविधान की कॉपी लेकर नाचते हैं इधर से उधर, उन लोगों ने संविधान दिवस का बहिष्कार क्यों किया, और वो भी तब जबकि आदिवासी पृष्ठभूमि से आने वाली राष्ट्रपति की अध्यक्षता में संविधान दिवस मनाया जा रहा था, उसका बहिष्कार किया गया पार्लियामेंट में. और जिस प्रकार से बंगाल में संविधान की प्रत्येक दिन हत्या होती है, तमिलनाडु में 65 दलित मारे जाते हैं, तो ये संविधान संविधान करने वाले क्या वहां पर संविधानिक अधिकारों का हनन होता है तो उस पर कुछ नहीं बोलेंगे? मुझे लगता है कम से कम ऐसे लोग किसी और को नसीहत ना दे जिनके डीएनए में इमरजेंसी है. ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच शहजाद पूनावाला फॉर जॉइनिंग अस विद योर पर्सपेक्टिव. वी आर मूविंग ऑन नाउ.